गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। कल हमने नाइन्थ के बारे में, पहली प्रश्नावली के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कुछ, मैंने एग्जांपल आपको दिए थे कि उसके क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करने थे। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे कि इनको आपको सॉल्व करने थे, तो आपने सॉल्व कर दिए होंगे। आज हम प्रश्नावली 1.1 को लेते हैं। कॉपी में भी आप नोट कर ले होंगे। किसी किसी लड़कों ने मुझे सवाल सॉल्व करके भी बताया है कि सर ये मैंने सॉल्व किया है। जिसने नहीं किए वो सवाल सॉल्व करें और मुझे व्हाट्सअप करें, उनकी पिक है, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे अंदर, ठीक है ना। अब मैं आज प्रश्नावली लेता हूँ 1.1, नाइन्थ क्लास की 1.1 प्रश्नावली। देखो, तो हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति। हमारी पहली प्रश्नावली कौन सी चल रही थी? संख्या पद्धति। अभी संख्या पद्धति में हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली कौन सी? 1.1 लेते हैं। चलो ध्यान से आप बुक्स खोल देना, उसमें क्वेश्चन ले। देखो पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन उसका क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यही क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यही पूछा है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो? p बटा q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर क्या कह रहा है, जहां पर p बटा q पूर्णांक है, जहां पर p बटा q पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, जहां p बटा q पूर्णांक तथा q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, q नॉट इज इक्वल टू क्या हो, जीरो है या जीरो हो। तो भाई क्या कहा हमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सॉल्व करते हैं, बताओ आप ही बताओ, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? मैंने आगे ही आपको बताया है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जीरो ये इसके बट्टे में मैं क्या लिखूंगा, एक। किसी भी संख्या के बट्टे में आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे। तो बताओ जीरो के बट्टे में भी क्या आएगा, एक आएगा। और मैंने आपको परिमेय संख्या की परिभाषा लिखाई थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिख सके, और जहां हर बराबर जीरो न हो, हर बराबर क्या नहीं हो, जीरो, यानी हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में जीरो हो जाएगा। तो ये भाई अंश है हमारा, ये अंश है, और ये क्या हो गया हमारा, हर हो गया। बताओ क्या हर में जीरो है? नहीं है। हर में जीरो नहीं है तो वो परिमेय संख्या होगी। तो इसने कहा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये लिख दिया हमने p बटा q, यानी अंश और हर के रूप में। बताओ यहाँ q बराबर नॉट इज जीरो है क्या? q जीरो नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। यानी जीरो को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में जीरो नहीं है। अंश में जीरो हो तो चलेगा, लेकिन हर में जीरो नहीं। जैसे ऐसे कैसे, जैसे मैंने जीरो बट्टा दो लिखा, भाई ये परिमेय संख्या है। जीरो बटा तीन लिखा, परिमेय संख्या है। अंश में जीरो हो तो चलेगा, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जीरो बट्टा एक परिमेय संख्या है। तो हाँ लिखेंगे, हाँ जीरो एक बट्टा एक परिमेय संख्या है। और किस रूप में? तो जीरो बट्टा एक के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन, जीरो बट्टा एक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कहेंगे हाँ ये एक परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीनों चार के बीच में छह परिमेय संख्या ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, तीन व चार के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी परिमेय संख्या? छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इधर देना अब ध्यान,
तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है तो सॉल्व। देखो भाई, एक या दो ज्ञात करनी होती तो हम फॉर्मूला लगा देते, प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बट्टा दो। यहाँ तो छह छह संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी? छह छह संख्याएं ज्ञात करनी है, तो भाई ये आसान काम नहीं है। तो भाई देखो, तीन और चार इसके बीच में हमें छह संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब इसके बीच में छह संख्या ज्ञात करनी है तो एक ज्यादा का गुणा कर दो। तो बताओ इस तीन के बट्टे में क्या होगा, एक है, इसके बट्टे में भी क्या है, एक है। तो बताओ तीन बट्टा एक का गुणा किससे करूंगा, छह ज्ञात कितनी करनी है, छह, तो गुणा किसका करेंगे, सात का, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। आई बात समझ में, तीनों चार के बीच में कितनी, छह ज्ञात करनी है, तो गुणा किससे करेंगे, सांस, एक ज्यादा से करेंगे, अंश से भी करेंगे, हर से भी। भाई इसके अंश में तो तीन है, तो बट्टे में मैंने एक लिख दिया, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में तो एक होता ही है। इधर देखो, इधर ये चार बट्टा एक लिख दिया, इसके गुणे में भी हमने क्या कर दिया, सात इधर भी और सात इधर भी। आई बात समझ में, बताओ सात या कितने हो गए, इक्कीस, बट्टे में कितने हो गए, सात, इसको हमने कहा तीन बट्टा एक, क्योंकि सात का इक्कीस में भाग दिया तो तीन आया। ये सात बट्टा इक्कीस का मतलब तीन ही है, सात बट्टा इक्कीस का मतलब क्या है, तीन ही है ना, इक्कीस के अंदर सात का भाग। बताओ यहाँ सात का चार से गुणा किया तो कितना हुआ, अट्ठाईस बट्टा सात। अब सात अट्ठाईस के अंदर सात का भाग देंगे तो चार आएगा कि नहीं आएगा, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस के अंदर तो चार ही है, ये चार और ये तीन। अब शुरू हो जाओ, 21 से किस तरफ चलना है, अट्ठाईस की तरफ, तो 21 के बाद बताओ क्या आएगा, 22 बट्टा सात, फिर बताओ क्या आएगा, 23 बट्टा सात, फिर बताओ क्या आएगा, 24, सभी के हर में तो सात ही होगा, 24 बट्टा सात, फिर बताओ क्या आएगा, 25 बट्टा सात, फिर बताओ क्या आएगा, 26 बट्टा सात, बताओ फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 27 बट्टा सात। बताओ कितनी संख्या, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छह संख्या हमने पता कर ली। तो किसी भी संख्या के बीच में, दो संख्याओं के बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला देखो, देखो वैकल्पिक विधि है ये, तीन और चार के बीच में छह ज्ञात करनी थी, एक अगर ज्ञात करनी होती तो हम फॉर्मूला लगाते, प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बट्टा दो, लेकिन यहां तो छह छह ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का छह से तो ज्ञात करनी है, तो गुणा करेंगे सात से, एक ज्यादा से गुणा करेंगे, तो तीन के बट्टे में एक, चार के बट्टे में भी एक, हर में तो सभी के एक होता ही है, जिस संख्या के किसी के बट्टे में एक, इनके बट्टे में एक लिख दिया। अब गुणा देखो, छह करनी तो सात का इससे भी, सात का नीचे भी, सात का इधर भी, सात का, दोनों का सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो सात का तीन से गुणा किया 21, सात का एक से गुणा किया सात, सात का चार से गुणा किया 28, सात का एक, तो ये तो चार है, सात बटा 28 का मतलब ये चार है, और 21 बटा सात का ये तीन है, हमें तो इन दोनों के बीच में ज्ञात करनी है, तो मैं 21 के बाद क्या आता है, 22, 22 बटा सात, 23 बटा सात, 24 बटा सात, 25 बटा सात, 26 बटा सात, 27 बटा, एक दो तीन चार पाँच छः, छह संख्या हमें पता चल गई। तो आई बात समझ में, किस तरीके से मैंने ज्ञात किया है, बिल्कुल सिंपल वे में हमने ज्ञात कर लिया। चलो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर चार पे, ये क्वेश्चन नंबर दो था, सॉरी, अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीन, कौन सा लेते हैं, तीन लेते हैं। बताओ तीन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, तीन बट्टा पांच और चार बट्टा पांच के बीच में पांच परिमेय संख्या। अब क्या कहा तीसरे क्वेश्चन में, तीन बट्टा पांच और चार बट्टा पांच के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, पांच, तीन बट्टा पांच और चार बट्टा पांच के बीच में कितनी संख्या, पांच, तो पांच ज्ञात करनी है तो गुणा किससे करेंगे, छह से। आई बात समझ में, इनके बीच में पांच ज्ञात करनी है तो गुणा किससे करेंगे, छह से, अंश से भी करेंगे और हर से भी करेंगे, तो भाई इधर भी कर दो छह का गुणा, इधर भी कर दो छह का गुणा, अंश व हर दोनों से, इधर भी क्या करेंगे, चार बट्टा पांच का छह से गुणा, इधर भी छह से गुणा, इधर ज्ञात तो पांच करनी है लेकिन गुणा एक ज्यादा का करेंगे, लेकिन ध्यान रखना दोनों के हर समान होने चाहिए या दोनों के अंश समान होने चाहिए, तभी हम गुणा कर सकते हैं, हर अलग अलग है तो नहीं, पहले हर बराबर करो फिर गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ छह तिया कितना हुआ, 18 बटा छह पंजे कितने हुए, 30, इसका 18 बटा 30 का मतलब क्या है, तीन बटा पांच ही है, इसको छह से काटूंगा, छह तिया 18, छह पंजे 30, छह चार 24, छह पंजे 30, इसका मतलब तो यही है भाई, छह से छह कटा तो चार बटा पांच ही रहा ना, इसमें छह का भाग दूंगा तो चार, छह का भाग दूंगा, इन दोनों का मतलब यही है, चार बटा पांच है और इसका मतलब तीन, 18 के बाद कहां तक जाना है, 24 तक, तो बताओ 18 के बाद क्या आएगा, 19 बटा 30,
19 के बाद क्या आएगा 20 बट्टा 30, 20 के बाद क्या आएगा 21 बट्टा 30, 21 के बाद बताओ क्या आएगा 22 बट्टा 30, बताओ 22 के बाद क्या आएगा 23 बट्टा 30। तो ये सारी संख्या हमें पता चल गई। तो ज्ञात करनी कितनी थी 5, 1 2 3 4 5, आई बात समझ में। तो 5 संख्या हमने इसके बीच में पता कर ली। तो जितनी अब देखो 1, 5, 6 का ज्ञान 7 का भी आप कर सकते हो, 8 का भी कर सकते हो, 7 का भी गुणा कर सकते हो, 8 का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बीच में हमें 5 संख्या लेनी है, लेकिन 5 पूछिए तो 6 का तो गुणा करना ही है, इसके साथ आप 7, 8 का भी गुणा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भी आंसर आया तो उसमें से 5 ढूंढ लेना, वो भी आपके आंसर क्या होंगे, राइट होंगे। क्योंकि इसके बीच में दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ 6 की जगह 7, दोनों का 7 से गुणा करते तो भी चलता, तो उसके बीच में और ज्यादा संख्या आती, उसमें से हमें 5 लेनी थी, 8 से भी कर सकते, 9 में से भी, 10 से भी, लेकिन एक ज्यादा से तो गुणा करना ही है। यही बात समझ में, जब दोनों के अंश यार समान हो तब। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ 4। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेता हूँ 4। देखो 4 में हमें क्या पूछा है, आप ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर आंसर लिखूंगा। देखो बताओ क्या कहा है, नीचे दिए कथन में सत्य और असत्य के साथ अपने उत्तर की जांच भी दीजिए। पहला क्या कहा है, देखो नीचे दिए सत्य असत्य ढूंढना है। पहला कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहा है, पहला संख्या कहा है कि सत्य है या असत्य बताओ। ये कह रहा है कि सत्य है या असत्य, इसकी हमें पहचान करनी है। बताओ क्या कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो कल ही हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या बताओ कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 ... अनंत तक, ये प्राकृत है। पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से, 0 1 2 3 ... अनंत। तो अब ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी ये सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या में आती है। अरे भाई ये तो राइट ही तो कह रहा है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये तो राइट है, इसका मतलब ये तो सत्य है, सत्य बात कह रहा है। आई बात सुन में, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरी संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप मुझे बताना भाई, पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ा, 0 1 2 3 ... अनंत तक। पूर्णांक संख्या में हमने, ये तो पूर्ण है, पूर्णांक संख्या में हमने क्या पढ़ा था, 0 भी होता है, 1 2 3 4, लेकिन -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। आई बात सुन में, देखो पूर्णांक संख्या में तो प्लस वाली भी आती है और माइनस वाली भी आती है, आती है कि नहीं आती है। पूर्णांक संख्या में तो प्लस वाली भी माइनस, क्या ये सारी संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं। क्या ये माइनस वाली पूर्ण संख्या में भी आती है, नहीं। यानी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो माइनस वाली संख्या भी आती है, जबकि यहां तो सिर्फ कौन सी है, प्लस वाली संख्या। भाई इसकी बात कुछ पूर्णांक कहते प्राक, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होती तब तो हम कह सकते थे, कुछ संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या पूर्णांक संख्या, तो हम कहते हाँ। लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब माइनस वाली संख्या भी पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। पूर्ण संख्या में तो सिर्फ 0 1 2 3 ये पूरी पूरी संख्या आती है, माइनस वाली संख्याएं नहीं आती है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये बात हो गई असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस भी आता है। क्या फिर आप पूर्ण संख्या में माइनस देखते हो, नहीं। ये कह रहा है कि ये सारी संख्या इसमें आती है, लेकिन आती तो है ही भी नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये गलत हो गया, असत्य हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरी बात करते हैं ये कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है।
बताओ भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में तो एक बट्टा दो भी आता है, माइनस का तीन बट्टा दो भी लिख दो, ये तो कुछ भी लिख दो, ये प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब तो आता बट्टे वाली, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखो, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है। बताओ क्या पूर्ण संख्या में माइनस होता है? क्या पूर्ण संख्या बट्टे में लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती ना, पूर्ण संख्या तो जीरो, ये देखो ये रही जीरो, एक दो चीज अनंत चलती है, इसमें बट्टे वाली संख्या आती है क्या? हाँ ये सारी बट्टे वाली है, लेकिन अलग से नहीं होती है। माइनस तीन बटा, क्या इसमें माइनस वाली संख्या आती है क्या? नहीं, जबकि ये तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हो, भली वो माइनस वाली हो, भली वो बट्टे वाली हो, वो सभी पूर्ण संख्या होगी। क्या आप सभी पूर्ण संख्या होगी प्रत्येक परिमेय संख्या? नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या में तो माइनस वाले भी, जबकि पूर्ण संख्या में कोई माइनस वाली संख्या नहीं आती है। पूर्ण का मतलब पूरी, जीरो एक दो तीन चार इस तरीके से, इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो आई बात समझ में? ये सभी क्वेश्चन हो गए, ये सत्य और दो क्या हो गए? असत्य हो गए। आ गया होगा समझ में? तो ये पहली प्रश्नावली अपनी हो गई कंप्लीट 1.1। अब मैं इसके आपको दो क्वेश्चंस लिखाता हूं और वो दो क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं अलग से, ध्यान रखना। चलो अब मैं दो क्वेश्चंस आपको लिखता हूं, बताओ। चलो लिख के देता हूं मैं, पहला क्वेश्चंस लिखना, सॉल्व करना है इसको, इसके जैसा जैसा भी पढ़ा है। चार व पांच के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी ज्ञात करनी है? 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 10 परिमेय संख्या, ये पहला क्वेश्चन से आपके लिए, 4 और 5 के बीच में कितनी? 10 परिमेय संख्या। और दूसरा लिख रहा हूं 2 बट्टा 5 व 4 बट्टा 5 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 बटा 5 और 4 बटा 5 में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। आई बात समझ में? और 4 और 5 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये आपको दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो आई बात समझ में? तो ये हमारे पास आज होगी 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट होगी। कल हम लेंगे 1.2, उससे पहले आपको ये दो सवाल करने हैं, इनके आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं, कॉपी में सारी चीज़ें नोट करनी है। जब भी स्कूलें खुलेगी मैं सारी ये चेक करूँगा। तो वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से इनको समझें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सअप कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।